पीएस प्रिंटर सर्विस में आपका स्वागत है। आप लोगों के लिए देख सकते हो एकदम बेस्ट प्रिंटर आपको सजेस्ट करेंगे कि बेस्ट कौन सा प्रिंटर है। ये देख सकते हो, ये PM 245 है, जिसको बोलते हैं 245। ये PM 520 है, 520। तो इन दोनों में आप लोगों को दिखाएंगे क्या कौन सी मशीन अच्छी है, क्या बेस्ट है, आपको क्या यूज के लिए अच्छी रहेगी। अभी आपको टूरिस्ट प्लेस में जाने के लिए कोई प्रिंटर लगता है तो ये दोनों में बढ़िया है, क्योंकि ये मॉडल बंद हो गया है। तो आप लोगों को बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है इसके लिए हम आपको कंपेयर करके दिखाएंगे। देख सकते हो, अभी मैंने फ़ोटो मेमोरी कार्ड लगा दिया है। ये देख सकते हैं, ये मेमोरी कार्ड है, इसमें मैंने लगा दिया, यहाँ पे लगता है और इसका यहाँ पे लगता है, जैसे कि देख पा रहे हैं। तो दोनों में मेमोरी कार्ड लग चुका है, इसमें फ़ोटो ओपन हो गया। तो हम इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं कितना फ़ोटो हमको चाहिए, कैंसिल कर देते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं फ़ोटो, कौन सा फ़ोटो चाहिए, एक का 10 चाहिए, ओके कर देंगे। एक फ़ोटो को प्रिंट छोड़ दिए, इसमें जाएंगे, इसका फ़ोटो छोड़ दिए, दोनों का फ़ोटो छोड़ दिए। दोनों का क्या स्पीड है आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने है जो भी है। और हमारे वीडियो पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी पूरी जानकारी आप लोगों को मिल पाएगी। देखो, ये प्रिंटर जो था ये पहले का सक्सेस मॉडल है। इसमें अगर हम लोग एक कार्ट्रिज रिफिल करेंगे तो इसमें कम से कम नहीं तो 200 फोटो आएगा। लेकिन यहाँ पे ये इसका प्रिंट क्वालिटी महंगा पड़ता है, प्रिंट भी महंगा पड़ता है। लेकिन एक फ्यूचर इसमें यह अच्छा है कि हम लोग इसमें 5x7 प्रिंट कर सकते हैं। तो देख सकते भाई लोग, ये आ चुका है, ये किसका और ये किसका, क्वालिटी दोनों का लमसम सेम ही है। तो अभी हम दूसरा फोटो मारेंगे, दोनों का डिस्प्ले भी बराबर दिख रहा है। ये स्पीड के लिए अगर आप टूरिस्ट प्लेस के लिए प्रिंटर लेना चाहते तो अभी तो यही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी ये मॉडल बंद हो गया है। तो आप लोग मेरे वीडियो पे कहाँ से देख रहे हैं, क्या है फ़ोटो के लिए सबसे बेस्ट प्रिंटर, अगर आपको स्टूडियो के लिए भी चाहिए तो आप परचेस कर सकते हो। दोनों प्रिंटर अच्छे हैं और इसमें जो कार्ट्रिज का होता है, इसमें कार्ट्रिज निकलता है, एक कार्ट्रिज अगर हम लोग परचेस करेंगे तो कार्ट्रिज इसका महंगा आता है, जो कि उसकी कॉस्टिंग रहती है, उसकी कॉस्टिंग होती 950 रुपये के लमसम। और यहीं पे ये इसका कार्ट्रिज जो आता है वो भी नया लेने जाओगे तो 1400-1500 रुपये का आता है। लेकिन इसमें जो पेपर, फ़ोटो पेपर जो निकलेगा, इसमें कम से कम निकलेगा आपका 200, बल्कि ये यहाँ पे 110-120 में ही ख़त्म हो जाता है। ये ज़्यादा सक्सेस नहीं है, लेकिन अभी लेने के लिए करेंगे क्या, लेना ही पड़ेगा ना। तो हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो हमारे ऑडियंस को कोई प्रिंटर चाहिए तो आप लोग मेरा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आप लोगों को हम दिखा रहे हैं कि प्रिंटर में कोई बेस्ट, देख सकते फ़ोटो भी एकदम ऐसा नहीं कि कोई गड़बड़ फ़ोटो आता है, एकदम बेस्ट फ़ोटो दोनों में आता। देख सकते कहीं पे लाइनिंग वाइनिंग कुछ नहीं है। किसी को भी दोगे तो अच्छा 20-30 रुपीज़ में आपको मिल जाता है, कहीं भी टूरिस्ट प्लेस में दिखाओगे तो।
तो अभी हम देख सकते दोनों सेम फ़ोटो मारेंगे। इसका स्क्रीन थोड़ा लेटेस्ट है तो अच्छा दिखता है। इसमें वाईफाई है, ये विदाउट वाईफाई, इसमें वाईफाई कंपनी ने अपडेट किया है। वाईफाई मोबाइल से कनेक्ट करके आप प्रिंट मार सकते हो। तो अभी हम दोनों में प्रिंट छोड़ देते हैं, जैसे कि छोड़ दिए दोनों का सेम। क्या स्पीड है भाई दोनों में देखते हैं हम लोग। एक ही फीचर ये प्रिंटर में PM2520 में दिया है, जो कि वाईफाई है और 5x7 फोटो है। तो ये पेपर बैंड होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देख सकते भाई ज़बरदस्त फोटो आते दोनों में। ये है ना पहले का फोटो, ये देखो ज़बरदस्त फोटो आते दोनों में, ये देख सकते हो। ओके गाइस, आज का वीडियो इतना एंड करते हैं। और आप लोगों को कौन से प्रिंटर को कंपेयर कराना आप लोग कमेंट में लिखोगे तो हम आप लोगों को कंपेयर करके बताएंगे कौन कौन सा मॉडल, क्योंकि हमारे पास एप्सन कैनन ब्रदर और HP का इंक टैंक, ये इंक टैंक वाले जितने भी मॉडल हैं कोई भी कंपनी का हो वो हमारे यहाँ फुल सर्विस होता है, फुल उसका सलूशन दिया जाता है। और आपको कुछ दिक्कत होती है, आपको नहीं समझ में आता साइज वाइज के बारे में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और आपको कहीं भी माल चाहिए, स्पेयर पार्ट चाहिए एप्सन कैनन ब्रदर का, तो वो भी हम दे देते हैं सेकेंड हैंड में, जो भी रहता है मिलने वाला होता तो आप लोगों को दे देंगे। कहीं भी आपको मुंबई में, इंडिया में कहीं भी अगर चाहिए तो आपको हम वहाँ तक पहुँचवा देंगे, कुरियर द्वारा पहुँच जाएगा। तो देख सकते हैं बहुत सारे फ़ोटो जो हम लोग मारे हैं। अभी आप घर के लिए, कहीं आप घूमते ज़्यादा हो उसके लिए, तो ये सारे प्रिंटर एकदम बेस्ट हैं, इसको परचेस कर सकते हो। जैसे कि अपना घूमने उमने गए घर के लिए, लेकिन हाँ सिर्फ फ़ोटो आएगा इसमें, फ़ोटो के सिवा कुछ नहीं आएगा। और इसको हम लोग कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप नया सेटअप डाले स्टूडियो के लिए तो स्टूडियो के लिए आप लोग ले सकते हैं PM520, जिसका कॉस्ट रहेगा लमसम 14-15 हज़ार रुपया। और ये तो मॉडल बंद ही हो गया, तो उसका 14-15 हज़ार रुपया है। स्टूडियो के लिए बेस्ट है वो, आप इसमें 5x7 में भी निकाल सकते हो, 4x6 में भी निकाल सकते हो, तो बेस्ट है।